जलकल विभाग की ओर से पानी व सीवर के बकायेदारों से वसूली की जा रही है, जिसमें अभी तक कुल 379 लाख रुपए बकायेदारों से वसूला गया है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल 55 लाख रुपयों की बढ़ोतरी हुई है। जलकल के महाप्रबंधक की गतिविधियों को तेज रखने के कारण बकायेदारों से यह बढ़ोतरी हो सकी है। आगरा के जलकल विभाग की ओर से अपने बकायेदारों से पानी व सीवर का रुपया वसूला जा रहा है, जिसमें जलकल के अधिशासी अभियंता विजय बहादुर सिंह ने बताया कि जलकल विभाग एक स्वास्थ्य संस्था है, जिसमें बकायेदारों से वसूले हुए धन से ही विभाग में तैनात लोगों को तनख्वाह दी जाती है। वहीं इन्हीं पैसों से विभाग के अन्य कार्य भी किए जाते हैं। जलकल विभाग की ओर से पिछले साल बकायेदारों से कुल 314 लाख रुपए वसूले गए थे, जबकि इस बार जलकल के महाप्रबंधक ने बकायेदारों से वसूली की गतिविधियां तेज कर दी, जिसमें इस साल बकायेदारों से कुल 379 लाख रुपया बकायेदारों से वसूला गया है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल कुल 55 लाख रुपया अधिक वसूला गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जलकल विभाग एक स्वायत्तशासी संस्था है और अपने जो इनके रिसोर्सेज हैं, जल कर, सीवर कर, जल मोड़, सीवर प्रभार इत्यादि जो पब्लिक से वसूला जाता है, इसी से जलापूर्ति सिस्टम का रखरखाव एवं कर्मचारियों को वेतन, पेंशन आदि का सारा भुगतान किया जाता है। इसमें जोन प्रथम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में आवास विकास, हरी पर्वत जोन एवं छत्ता जोन की वसूली अभी का कार्य मेरे द्वारा देखा जाता है। इसमें पिछले वर्ष अप्रैल मई जून 3 माह में 314 लाख रुपये की वसूली हुई थी। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट।